आज हम लेकर आए हैं निगेटिव मार्किंग ज्ञान, और आज इस निगेटिव मार्किंग ज्ञान के लिए वीडियो को क्यों मिला है स्थान वो आप समझ लें। क्यों मिला है स्थान ये बात है सबसे पहले जानने की ज़रूरी, क्योंकि जितनी भी आने वाली नौकरी है, जितनी भी आने वाली सरकारी नौकरी है, उनमें लगभग सभी में यहाँ पर सरकारी नौकरियों में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। देखिए, निगेटिव मार्किंग से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है इस बात को जानेंगे, लेकिन क्या निगेटिव मार्किंग है इस बात को जानना ज़रूरी है, किस पेपर में कितने की निगेटिव मार्किंग होती है इस बात को जानना ज़रूरी है, और सबसे लास्ट में जो सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि निगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे, और आपको निगेटिव मार्किंग से बचने के उपाय, आपका नुकसान ना हो उसको बचाने के उपाय हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। एक एक चीज़ को यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, और अगर निगेटिव मार्किंग से बचना है तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। आने वाले सभी सरकारी नौकरियों में निगेटिव मार्किंग है। क्यों भाई, इस बात को क्यों लिखा है मैंने? अब जैसे आप लोग जो हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो, तो रेलवे की भाई सभी परीक्षाओं में क्या है, निगेटिव मार्किंग है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है भैया, निगेटिव मार्किंग है। आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो क्या है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्या है भैया, निगेटिव मार्किंग है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो मतलब कोई एग्ज़ाम आपका शायद ही कोई बचा हो। आप अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही खतरनाक निगेटिव मार्किंग है, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर कितने की निगेटिव मार्किंग आपको किस पेपर में मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं भैया निगेटिव मार्किंग क्या है। देखिए, निगेटिव मार्किंग मुख्यतः जो मेन निगेटिव मार्किंग होती है वो दो होती हैं। कौन कौन सी भैया? एक सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में मिलेगी 1/4 की, और उसके बाद कुछ परीक्षाओं में मिलेगी आपको 1/3 की। तो 1/4 और 1/3 सबसे फेमस निगेटिव मार्किंग यही है। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही निगेटिव मार्किंग जो है पूछी ज़्यादातर लागू है। देखिए, यहाँ पर 80% परीक्षाओं में कहीं ना कहीं 1/4 वाली निगेटिव मार्किंग चलती है, बाकी बची 20% में लगभग आप मान सकते हैं 15% में ये है, और 5% में जो बाकी बची हुई है वो है। वो कौन कौन सी हो सकती है भैया? देखिए, एक होती है आपकी 1/2 की, और एक होती है आपकी 1/5 की। तो 1/2 की तो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक निगेटिव मार्किंग ही किसकी है भैया, 1/2 की। तो पहले समझते हैं निगेटिव मार्किंग क्या है। देखिए, अगर 1/4 की बात करी है निगेटिव मार्किंग की, तो आप मोटा मोटा सा ये समझ सकते हैं कि अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब अगर आप उस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो आपको 4 मिल रहे हैं, तो गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब और थोड़ा सा ज़्यादा आसान भाषा में समझें तो अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं गलत और 1 क्वेश्चन किया है सही, तो आपके नंबर बनेंगे 0। कितने बनेंगे? 0। कब? दोबारा समझें कि अगर आपने 4 क्वेश्चन तो कर दिए हैं सही गलत और 1 क्वेश्चन कर दिया है सही, तो आपको कितना नंबर मिले? 0। इसी तरह से 1/3 की बात समझें, तो अगर आपने 3 क्वेश्चन कर दिए हैं गलत और 1 क्वेश्चन कर दिया है सही, तो नंबर मिलेंगे 0। इसी तरह से 1/2 की बात समझें, तो यहाँ पर अगर 2 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो नंबर कितने मिलेंगे? 0। इसी तरह से 1/5 को भी आप समझ चुके होंगे अब तो, कि अगर आप 5 क्वेश्चन सही गलत करते हैं और 1 करते हैं सही, तो यहाँ पर भी कितने नंबर बन जाएंगे भैया? 0। तो ये बात है जी। अब देखें, 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। 1/4 की, जैसे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपसे पहले दिया है, तो आपको देखने को मिलेगा 1/4 की निगेटिव मार्किंग। आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको किसकी निगेटिव मार्किंग मिलेगी भैया? 1/4 की मिलेगी। आप देख सकते हैं कुछ एग्ज़ामों में, एसएससी के एग्ज़ामों में भी क्या मिलती है भाई, 1/4 की निगेटिव मार्किंग मिलती है। जो हमारे यूपी SSSC के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी कुछ एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलेगी 1/4 की निगेटिव मार्किंग। बात करते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग की, तो रेलवे के ज़्यादातर एग्ज़ामों में क्या, जैसे NTPC वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ज़्यादातर 1/3 की निगेटिव मार्किंग चलती है, और कुछ परीक्षाएँ अन्य भी हैं जो विशेष परीक्षाएँ होती हैं, उनमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग चलती है। बात करें 1/2 की,
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो में बहुत ही खतरनाक निगेटिव मार्किंग होती है। वीडियो का पेपर आपने देखा है तो उसमें भैया 1/2 की निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर दें और 1 कर दें सही तो आपके नंबर बनेंगे 0, ठीक है जी। और 1/5 की निगेटिव मार्किंग की बात करें तो ये मोस्टली मिलती है आपको एंट्रेंस एग्जामों में, एंट्रेंस एग्जामों में। तो यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि निगेटिव मार्किंग क्या है और किस किस परीक्षा में आपको कौन कौन सी निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं भैया, निगेटिव मार्किंग से फ़ायदा या नुकसान, ये वाली बात समझने वाली है। देखिए स्टूडेंट होते हैं भैया 3 तरह के, स्टूडेंट कितने तरह के होते हैं भैया 3 तरह के। एक तो हाई लेवल वाला, एक होता है हाई लेवल वाला जिसकी तैयारी बहुत ही बेहतर बेहतर तैयारी वाला, बेहतर तैयारी अगर आपकी है तो वो नंबर 1 कैटेगरी में हम रखेंगे उसे। दूसरा होता है सामान्य सामान्य स्टूडेंट, जो पढ़ने में ठीक है और वो तैयारी भी ठीक ठाक कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की उसकी अभी तैयारी नहीं है। और एक है भैया लो, ठीक है जी। तो लो वाले को तो बात ही छोड़ दो, लो वाला तो भैया लो ही रह जाएगा, उसकी बैटरी तो पहले ही लो है तो इसकी बात करनी तो बेकार ही है। लेकिन जो फ़ायदे और नुकसान की बात है तो फ़ायदा होता है बेहतर तैयारी वाले को, जिसने बहुत ही बेहतरीन तैयारी की है उसे निगेटिव मार्किंग का हमेशा होता है फ़ायदा, लेकिन जो जनरल स्टूडेंट है उसे होता है भैया नुकसान। किस तरह से बात समझें, एक अच्छी तैयारी वाला स्टूडेंट है, एक बेहतर तैयारी वाला स्टूडेंट है जो 100 में से कर सकता है 80 क्वेश्चन सही, 80 क्वेश्चन सही कर सकता है, ठीक है जी। निगेटिव मार्किंग है तो होगा क्या उसके साथ, कि आप कितने ही अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी कितनी ही बेहतर है ये आप लिखवा लो, कि अगर आपने 80 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं आपके 2 से 3 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 क्वेश्चन, अगर बेहतर तैयारी है तो 5 क्वेश्चन तक आप जो है निगेटिव मतलब कर सकते हैं, मतलब गलत हो सकते हैं आपके इस वाले पेपर में। तो अगर आपने 80 क्वेश्चन किए हैं और बेहतर तैयारी है तो लगभग आपके 75 क्वेश्चन सही रहेंगे, और निगेटिव मार्किंग अगर सामान्य सी मैं मान के चलूँ कितने की भैया 1/4 की, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चनों में सवा नंबर आपका कम हो जाएगा, सवा नंबर कम हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 73.75 और निगेटिव मार्किंग में ये बेहतर स्कोर होता है और यहाँ पर आपका नंबर बिल्कुल पड़ जाएगा। तो ये जो है निगेटिव मार्किंग से इन बच्चों को फ़ायदा होगा जो है भैया कौन, जो है बेहतर तैयारी वाले। अब सामान्य स्टूडेंट को क्या होता है, सामान्य स्टूडेंट हम उसे लगाते हैं जैसे 100 क्वेश्चन आए, 50 कन्फर्म है, 50 कन्फर्म है कि ये आंसर है, लेकिन आगे के 50 में 20 का तो उसे पता ही नहीं, 30 में वो डाउटफुल है, डाउटफुल है मतलब वो उसे सही भी लगा सकता है गलत भी लगा सकता है। ये तो पता है कि 2 ऑप्शन में से कोई जो है सही है, 2 तो बिल्कुल गलत है ये भी पता है उसे, लेकिन जो बाकी बचे 2 हैं उनमें से कोई एक ठीक है ये पता है, लेकिन अब वो यहाँ पर तुक्का ही मारेगा एक तरह से, तो तुक्का मारेगा तो उसे यहाँ पर भैया देखिए 30 क्वेश्चनों पर अगर आपने डाउटफुल हैं इस टाइप के तो आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपके मुश्किल से मुश्किल 10 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक होंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 क्वेश्चन ठीक हो पाएंगे। तुक्के से भैया तुक्का नहीं चलता निगेटिव मार्किंग में, तुक्का नहीं चलता। और अगर आपके 10 क्वेश्चन ठीक हैं, 50 पहले ठीक थे तो 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, अब गलत कितने हुए 20, 1/4 की निगेटिव मार्किंग तो कितने 5 नंबर माइनस कर देंगे तो बचेंगे 55 नंबर, और 55 नंबर पर आप हो सकते हैं बाहर, आप हो सकते हैं बाहर, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा नुकसान किसे है भैया, एक जनरल स्टूडेंट को है, एक सामान्य तैयारी करने वाले छात्र को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और लेकिन जो बेहतर तैयारी वाले हैं, जो बहुत ही अच्छी तैयारी में लगे हैं, उन्हें तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए भैया क्या है, कैसे बचें निगेटिव मार्किंग से, कैसे बचें निगेटिव मार्किंग से, ये बात समझने वाली है। पहली बात, आप रिस्क ले सकते हैं कब, आप रिस्क कब ले सकते हैं, किस परीक्षा में आप रिस्क ले सकते हैं, वो बात समझने वाली है। अगर आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 या 1/5 में से है, अगर आपकी निगेटिव मार्किंग 1/4 या 1/5 में से है जिस पेपर में आप बैठ रहे हैं उस पेपर में, और आपको दो ऑप्शनों पर डाउट है कि ये आंसर है या ये आंसर, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। अगर आप जो है कट ऑफ से दूर हैं, मतलब भाई 100 में से 50 हुए, 50 में तो जब भी नंबर नहीं आ रहा, तो अब आप रिस्क ले सकते हैं। अब आपके पास केवल एक चारा बचता है कि आप रिस्क लें निगेटिव मार्किंग में अपने क्वेश्चन कर पाएँ। लेकिन मेरे भाई मेरे चांद, अगर निगेटिव मार्किंग 1/3 की या 1/2 की है तो आप किसी भी तरह से
रिस्क ना लें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। एक क्वेश्चन का भी अगर आपको यह है कि दो ऑप्शन ठीक हैं, दो का मतलब दो का तो ये कन्फर्म है कि ये नहीं है और दो में डाउट है, तो आप भैया उन्हें छोड़ दें तो छोड़ना बेहतर होगा, नहीं तो वो आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, नौकरी से बाहर कर देंगे। तो इससे बचने का मात्र एक उपाय है कि आप तैयारी करें, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग से बचने का कोई उपाय नहीं है। आपके पास क्या कोई उपाय है, क्या कोई सुझाव है जो आप दे सकते हैं निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि भैया अगर 1/3 या 1/2 की निगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल भी छेड़ाछेड़ी ना करें क्वेश्चनों से, जो आपको कन्फर्म आते हैं उन्हें करें, ठीक है जी। अभी जो है मैंने निगेटिव मार्किंग का आपको लगभग सभी ज्ञान दे दिया है, अभी भी आपके मन में कोई डाउट है निगेटिव मार्किंग संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है और चैनल पर पहली बार है तो भैया सब्सक्राइब करके ही जाएं। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।